नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यू और अगले आधे घंटे में सबसे पहले हम नज़र डालेंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, उसी के साथ खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नज़र डालेंगे। और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। करीब 10 अंकों की तेज़ी के साथ 25,100 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है, लेकिन एशियाई बाज़ारों में आज सुबह थोड़ी सी नरमी दिखी है। कोरिया के मार्केट की बात करें या जापान, सभी एशियाई बाज़ार आज लाल निशान में खुलते हुए नज़र आए। और भारतीय बाज़ारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी भी करीब 10 अंकों की तेज़ी के साथ भारतीय बाज़ार शुरू हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। सबसे पहले अमेरिकी बाज़ारों पर नज़र डालते हैं। कल वहां पर भी मिलाजुला कारोबार था। डाव जोन्स करीब 0.2% की गिरावट के साथ कल बंद होते हुए नज़र आए। S&P 500 और नैसडैक में आधे से 1% की तेज़ी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कुछ स्टॉक्स जो फोकस में थे अमेरिकी बाज़ारों में, एनवीडिया की बात करेंगे। याद रखें, AI के चलते एनवीडिया में पिछले एक साल में काफ़ी तेज़ी दिखी है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में भी तेज़ी थी। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों स्टॉक्स के चलते नैसडैक और S&P 500 में कल अच्छी तेज़ी दिखी। JP Morgan मैनेजमेंट की कमेंट्री आई नतीजों के बाद जो काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके चलते JP Morgan में कल भारी गिरावट दिखी। लेकिन याद रखें, इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते आएगा। CPI का डेटा अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आज रात को आएगा, तो कई सारे ट्रिगर्स होंगे अमेरिकी बाज़ारों के लिए इस हफ्ते, जिसके चलते भारतीय बाज़ारों पर भी इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। यूरोपियन बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। डैक्स 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नज़र आया। फुटसी की बात करें तो यहाँ पर भी 0.8% की गिरावट दिखी और CAC में थोड़ी सी कमज़ोरी थी, 0.2% की गिरावट। लेकिन ऑल इन ऑल अमेरिकी बाज़ारों से देखें तो मिले जुले संकेत थे, लेकिन यूरोपियन बाज़ारों के संकेत काफ़ी नेगेटिव आए हैं आज सुबह। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। 3 साल के निचले स्तर पर ब्रेंट क्रूड, चाइना की डिमांड के तो कंसर्न्स है ही, उसी के साथ ओपेक प्लस जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का कंसोर्टियम है, वहां से कुछ कमेंट्री आई जहां पर उन्होंने कहा कि डिमांड सप्लाई मिसमैच के चलते कोई एडिशनल स्टेप्स लिए नहीं जाएंगे, तो ओवर सप्लाई के कंसर्न्स है, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड के दाम घटे। $69 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड चला गया। याद रखिए, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ब्रेंट क्रूड का, वहाँ पर डिमांड कंसर्न्स है। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया था जो काफ़ी कमज़ोर था, 6 महीने के निचले स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया चाइना का अगस्त के महीने का। तो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स, चाइना के ग्रोथ कंसर्न्स और सप्लाई बढ़ने की आशंका से चलते ब्रेंट क्रूड के दाम कल कम होते हुए नज़र आए। $70 के नीचे भी लुढ़क चुके ब्रेंट क्रूड के दाम। लेकिन इसी के साथ हम गोल्ड की भी बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर फिर से चमक बढ़ी है। $2,525 के पर आउंस के आसपास जो सोना था, वह बढ़कर $2,550 पर आउंस के आसपास पहुँच गया। तो ब्रेंट क्रूड में नरमी थी, लेकिन सोने में ओवरनाइट अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। इसी के साथ डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 101.7 पे डॉलर इंडेक्स है और 10-ईयर बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी सी नरमी दिखी, 3.7% से घटकर अब 3.6% पर आ चुके हैं। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डालेंगे। FIIs ने कैश मार्केट में कल करीब 2,200 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DIIs ने करीब 300 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 170 करोड़ की खरीदारी की, इंडेक्स ऑप्शंस में 39,000 करोड़ की बिकवाली की, वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 3,900 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो करीब 2,500 करोड़ की बिकवाली वहां पर भी दिखी। याद रखें, ईयर टू डेट बेसिस पर भी देखें तो FIIs ने काफ़ी बिकवाली की है ईयर टू डेट बेसिस पर, और पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो कल 200 करोड़ की खरीदारी दिखी FIIs में कैश मार्केट में, लेकिन उसके पहले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो काफ़ी बिकवाली दिखी है। और ईयर टू डेट बेसिस पर भी
एफआईआई भी बिकवाली कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कौन से अहम लेवल्स पर आपको सपोर्ट करना रखना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अशीषा, अगर आप ओवरऑल मार्केट को इस समय चेक कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय, और कल भी हमने देखा स्लाइटली कुल बैक हो रहा है। जैसे हमने कल भी आपको नोटिस कराया था कि मार्केट का रियल टेस्ट होगा 25,000 के ऊपर क्लोज करना, तो कल फाइनली दो चीज हमको मिल गई, एक तो बैंक निफ्टी का 51,000 मिल गया और दूसरा निफ्टी का करीब 25,000 का लेवल हमको क्लोजिंग पे मिले हैं। आज ग्लोबल मार्केट फिर से थोड़ी शांति में ही है, एज सच की प्रॉब्लम है नहीं, तो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन या एक रेंज में रहेगा। ये रेंज कौन सी है? ये रेंज है 25,200 की। देखिए पुल बैक आएगा, पुल बैक की ऐसी लिमिटेशन है, एक मर्यादा है, तो पुल बैक शुरू होता 24,800 से, फिर आपने 25,000 के नियर बाय क्लोज किया, फिर आपने 25,000 के ऊपर क्लोज किया कल, तो आप 25,200 तक यानी कि 200 तक का आपका रास्ता खुला है। ये 400 पॉइंट की जो बैंक निफ्टी के अंदर पुल बैक आ रहा है, ये स्लाइटली शॉर्ट कवरिंग से आया। इससे दो फायदे हुए, एक तो शॉर्ट सिस्टम में थोड़े कम हो गए और दूसरा ओपन इंटरेस्ट थोड़ा लाइट हो गया, लाइट होना बहुत जरूरी था, ये तो मार्केट मूव ही नहीं करता। तो इसके 5,33,000 का ओआई बिल्डअप है, यानी कि जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो 5,00,000 हो गए, ये पहले 6,00,000 थे, तो 75,000 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर सेटल हो गए हैं, तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट ने सारा सेटलमेंट प्रोसीजर को शुरू कर दिया। और दूसरा आप आते हैं जिनके पास है बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी, देखिए जिनके पास है उनको तो आप ट्रेड करें, 24,800 पे हमने 2 लॉट करवाए हुए, 3 लॉट करवाए हुए, तो अभी आप ट्रेड करें। नया अगर कल और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अब आपको नियर बाय का स्टॉप लॉस 25,000 ही लगाना होगा। आप बोलेंगे वो तो बिल्कुल पास का है, कभी भी कर सकता है, बिल्कुल भी कर सकता है वो, इसलिए अब एक लैब टेस्टिंग के तौर पर ही उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज वैसे कोई उसको इस्तेमाल ना करें। तो दूसरा पॉइंट है, जब तक 25,200 फाइनली पार नहीं करते 25,500 नहीं आएगा, तो अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो आपको इस चीज को वेट भी करना पड़ सकता है, भाई पहले 25,200 आए उसके बाद ही हम इसमें पोजिशनिंग करेंगे या उसके बाद इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो ये पहला पॉइंट टू बी नोटिस है। दूसरा पॉइंट अगर आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये पॉइंट है कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी 51,000 की क्लोजिंग मिली हुई है। 51,000 की क्लोजिंग मिली है, 2 दिन हो गए हमको, कल बैंक निफ्टी ने ज्यादा पॉइंट नहीं जोड़े, 154 पॉइंट जोड़े हैं, दोनों के अंदर टिपिकली शॉर्ट कवरिंग है, बैंक निफ्टी के अंदर तो माइल्ड शॉर्ट कवरिंग है, माइल्ड इन द सेंस क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कुछ खास घटा ही नहीं, -0.65% का ओवर एडिशन घटा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई है इसके अंदर। तो अब आपका एक काम करता है, 25,000 निफ्टी का, 51,000 बैंक निफ्टी का, दोनों लेवल्स को वॉच रखो, नहीं टूटते छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट ऊपर के करते रहो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 25,500 पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, 51,500 पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का और 51,800 दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, तो दोनों के लिए प्लस पोजिशन है, शॉर्ट दोनों में नहीं करना। 7-6% बैन में एफआईआई की पोजिशन में कोई चेंज नहीं है, करीब 64% के आसपास है और पुट कॉल रेशियो में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर और चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एडयू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, सबसे पहले बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए बाजार पर। मुझे लग रहा है मार्केट का जो टेक्सचर है वो थोड़ा बुलिश हो रखा है अभी, और बाय ऑन डिप्स का जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाना चाहिए। कल हमने क्लोजिंग पे देखा है मार्केट में थोड़ा पुल बैक आया था, और आज अगर सॉफ्ट ओपनिंग होती है तो मुझे मेरे हिसाब से निफ्टी में अगर 25,000 या 24,950 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो खरीदारी करके चलनी चाहिए, ऊपर में 25,200 25,400 का लक्ष्य लगाना चाहिए और नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 24,850 का। छोटा पुल बैक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। सेम बैंक निफ्टी में भी अगर नीचे हमको 51,200 51,100 के लेवल्स दिखते हैं तो मेरे हिसाब से फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहिए। बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहाँ से, क्योंकि अंडरटोन थोड़ा बैंक का कुछ एक दो दिन से थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग रैली और फ्रेश लॉन्ग एडिशन भी उसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स पे अगर हम चर्चा कर ले तो 51,500 और 51,700 मुझे लग रहा है ये दो लेवल्स आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक जो मोमेंटम और चर्निंग चालू है अशीषा, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, तो ये रणनीति तो इंडेक्स लेवल पर, लेकिन आदित्य स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला है हैवल्स, स्टॉक बहुत शानदार अप मूव दिखा रहा है,
कॉन्स्टेंटली हायर हाई हायर लोज बनाते जा रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पे लक्ष्य रहेगा 2100 का और स्टॉप लॉस लगाना है 1830 का। सेकेंड स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, एक ब्रेकआउट के कगार पे आ चुका है स्टॉक और मुझे लग रहा है अगर ब्रेकआउट आता है शायद यहाँ पे तो एक बड़ी तेजी हमें देखने मिलेगी स्टॉक में। तो आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद आज या कल के सेशन में इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए 3150 का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है 2800 पर। कुल तो हैवल्स पर खरीदारी की राय 2100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और इसी के साथ दीपक नाइट्राइट पर भी खरीदारी की राय है 3150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। शेयर्स पर फोकस करेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में शरद दुबे जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा, बहुत सारे ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स जो आज इम्पैक्ट करने वाले इंडियन मार्केट्स को। ऑफ कोर्स जो डिबेट चल रही है ट्रंप और कमला जी का वो भी हम देख रहे हैं मार्केट में। एंड ऑफ कोर्स आज जो है यूएस का भी जो है आप सीपीआई डेटा आएगा, लेकिन मैं इसलिए मैक्रो बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले ग्रुप ऑफ स्टॉक्स मैक्रो रिलेटेड ही हैं। सबसे पहला है ब्रेंट क्रूड जो है $70 प्रति बैरल के नीचे आ चुका है। ये पहली बार हुआ है 2021 दिसंबर से, यानी कि 33 महीने में जो है पहली बार ये देखने मिला ये आंकड़ा। अब इसका बेनिफिशियरीज कौन होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OMCs के लिए थोड़ी न्यूट्रल रहती है, लेकिन पेंट एविएशन टायर सीमेंट सेगमेंट इन चारों सेगमेंट में जो है एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकती है और यहाँ पे जो है ऑफकोर्स इनके मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लगातार जो है इसमें भारी गिरावट पिछले 2 महीने से देखने मिल रही है ब्रेंट क्रूड में। इसके अलावा आज जो है गवर्नमेंट सोर्सेज बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश को कि गवर्नमेंट आज सब्सिडी स्कीम अनाउंस कर सकती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। FAME III स्कीम रहेगा और FAME II स्कीम के ही रास्ते पे जो है FAME III स्कीम की जो है अनाउंसमेंट हो सकती है। उसके कारण बजाज ऑटो, हीरो ऑटो, ओला ये सारे कंपनीज पे भी आप जो है फोकस रखिएगा। टाटा मोटर्स लेकिन हालांकि थोड़ा सा जो है एक थोड़ी सी न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है। BMW ने जो है अपने कहा है कि जो 2024 की प्रॉफिट है उनकी गाइडेंस को उन्होंने कम कर दिया। ऑटोमोटिव सेगमेंट में डिलीवरीज भी कम आ सकती है। EBIT मार्जिन का जो एक्सपेक्टेशंस है वो पहले 8-10% था, अब वो घट के 6-7% हो गया है। मैनेजमेंट कह रहे हैं कि म्यूटेड डिमांड चाइना में देखने मिल रहा है। म्यूटेड डिमांड चाइना के कारण हमने देखा मेटल्स में करेक्शन आए, म्यूटेड डिमांड के कारण BMW ने अपना गाइडेंस घटाया। और इंटरेस्टिंगली टाटा मोटर्स मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि उनके जो JLR सेगमेंट है वहाँ पे चाइना से अच्छे खासे सेल्स देखने मिलते हैं। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव है टाटा मोटर्स के लिए भी। अगस्त की अगर डोमेस्टिक फार्मा डेटा के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है टोरेंट फार्मा एकमात्र कंपनी जिन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ जो है ओवरऑल लाया। इसके अलावा एबर्ट, ग्लेनमार्क, लुपिन और फाइजर ने भी इंडस्ट्री की आउट परफॉर्मेंस की। आखिर में रिलायंस के बारे में बात करूंगा जहां पे उनकी जो रिटेल वेंचर्स आम है वो डेल्टा गलील के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है भारत के मार्केट में। और जो डेल्टा गलील एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है एपरल्स को लेके, अब ये मैन वुमेन चिल्ड्रन तीनों ही सेगमेंट में जो है अवेलेबल है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन आपको देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो नई पार्टनरशिप के चलते रिलायंस रिटेल और उसी के साथ ब्रेंट क्रूड के दाम गिरे हैं जिसके चलते पेंट, टायर और कई सारे सेक्टर्स भी आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा FAME III का अनाउंसमेंट आज हो सकता है जिसके चलते कई सारे ऑटो कंपनीज आज फोकस में रहेंगे। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ओला जैसे कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिन कंपनियों का कारोबार है ये सभी कंपनियां भी आज फोकस में रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और FAME III सब्सिडी के रिलेटेड आज शाम को आ सकती है। इसके अलावा टाटा मोटर्स जैसे हमें शरद बता रहे थे BMW ने अपनी गाइडेंस घटाई है। ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स है, ऑटो सेक्टर से ही नहीं कई सारे सेक्टर्स ने डिमांड कंसर्न्स रिपोर्ट किए हैं जिसके चलते टाटा मोटर्स पर भी हमारी नज़र रहेगी। और इसके अलावा फार्मा कंपनियों का डेटा आया है जिसके चलते कई सारी फार्मा कंपनियां भी आज फोकस में रहेगी। तो ये इन सभी स्टॉक्स पर अपनी नज़र रखें। और रिलायंस की तो हमने बात की ही, जहां पर एक तो मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है और उसी के साथ कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की है जिसके चलते रिलायंस रिटेल पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा हमने ऑटो कंपनियों की बात की, एक बार क्रूड की बात कर लेते हैं बिकॉज उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो इन एनी केस फोकस में रहेगी, उनके मार्केटिंग मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन इसके अलावा पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, सीमेंट कंपनियां सभी कंज्यूमर्स है पेंट की, क्रूड ऑयल की, जिसके चलते इन सभी कंपनियों पर भी आज फोकस रहेगा।
लेकिन अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डाल देते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं क्या निकल कर आया ब्रोकरेज रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग आशीषा, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डिक्सन की रिपोर्ट है। हालांकि प्राइस टारगेट करंट मार्केट प्राइस के नीचे है, लेकिन CLS ने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। होल्ड की सलाह है, 11,400 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 12,100 का ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से कंपनी लगातार डील्स कर रही है उसके चलते आगे चल के कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक है वो अच्छा है और फोकस जो है आगे कंपनी का कहीं ना कहीं ग्रोथ पे होगा। मार्केट शेयर लैपटॉप सेगमेंट में कंपनी कोशिश कर रही है कि 20 से 25% के आसपास का मार्केट शेयर जो है मीडियम टर्म में कंपनी करते हुए दिखाई दे सकती है, ये इनका कहना है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों रूट से कंपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश रही है। श्रीराम फाइनेंस CLSA की रिपोर्ट है, यहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 3,350 का रखा है। इनका कहना है कि मार्जिन्स और एसेट क्वालिटी जो है इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है और आगे चल के लोन ग्रोथ जो है वो कंपनी की काफ़ी बेहतर रह सकती है। कंपनी ने गाइड किया है कि मिड टीन्स में लोन ग्रोथ जो है वो कंपनी डिलीवर कर सकती है। काफ़ी सारे क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी के पास है और करीब 100 से 120 ब्रांच जो है वो कंपनी आगे चल के खोलने वाली है और ROEs में करीब 100 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट आपको अगले 2 साल में देखने मिल सकता है, ये कंपनी का गाइडेंस है। टाटा मोटर्स UBS का सेल का कॉल है, 825 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। बेसिकली ये फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह से डिस्काउंट्स बढ़ रहे हैं, जो खासकर JLR में भी इनका कहना है कि डिस्काउंट जो है वो थोड़े बढ़ रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत मॉडरेट हो रही है। साथ ही साथ ICE और हाइब्रिड लॉन्चेस जो है इस सेगमेंट में जो लॉन्चेस है वो थोड़े बहुत कम है नए लॉन्चेस, और इसका इम्पैक्ट जो है आगे आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने मिलेगा, खासकर FY26 के। और इसके लिए यहाँ बिकवाली का कॉल है और 826 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। और एक NBFCs पे वोफा की रिपोर्ट है, इनका कहना है कि रेट कट साइकिल जो है वो NBFCs के मार्जिन्स पे इम्पैक्ट कर सकता है, वैल्यूएशन री रेटिंग आपको देखने मिल सकती है अगर ग्रोथ यहाँ पे सस्टेन करती है तो NIMs एक्सपांड करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपसाइड रिस्क जो है पूरे के पूरे NBFC सेक्टर में है रेट कट साइकिल के चलते, तो इसके लिए आप NBFCs पे भी रखिएगा नजर। बिल्कुल, तो बोफा की रिपोर्ट के चलते सभी NBFC स्टॉक्स पर आज नजर रही। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी, श्रीराम फाइनेंस और टाटा मोटर्स पर भी अपनी नजर रखें। वरुण शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय शुक्रिया अपना समय निकालकर ETNow स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे, काफ़ी गिरावट दिखी है ओवरनाइट, चाइना में डिमांड कंसर्न्स है, ओवर सप्लाई के कंसर्न्स है, ब्रेंट क्रूड पर आपकी क्या राय रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि कच्चे तेल में एक अच्छी खासी गिरावट अगस्त के हाई से अभी तक आती हुई दिखी और ऐसा लग रहा था पिछले हफ्ते तक कि ये 70 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा। जो चाइना का डिमांड कंसर्न है वो पिछले 15 दिन से ही हम देख रहे हैं क्योंकि जो जुलाई के अगस्त के आंकड़े आए हैं वो काफी खराब आए और इनफैक्ट US के भी खराबी थे जिसकी वजह से कंसर्न थी कच्चे तेल में दबाव रहेगी। लेकिन OPEC ने स्टेटमेंट दिया था कि जो हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो अब दिसंबर देखेंगे हम, जिसके बाद प्राइजेस को एक स्टेबिलिटी भी मिली थी जो 71-72 पे था। लेकिन कल OPEC का जो डिमांड आउटलुक आया है अगले साल का वहां पे हमने एक ड्रॉप देखा है जिसकी वजह से कल हमने एक बड़ा इरोजन देखा है। तो टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड में जरूर है बट फंडामेंटली कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा जिसके चलते आज दबाव रह सकता है, लेकिन सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। 5650 पे बेचिए, 5720 का स्टॉप लॉस लगाइए, डाउनसाइड है बट लिमिटेड रहेगा जो 5450 भी, तो टेक्निकली इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। मार्केट में कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा पड़ेगा क्योंकि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी US में गल्फ ऑफ मेक्सिको में है जिसका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो लिमिटेड डाउनसाइड के लिए बेचा जा सकता है 5480 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ब्रेंट क्रूड पर बिकवाली की राय, भारी गिरावट के बाद अभी भी लोअर लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ब्रेंट क्रूड पर। इसी के साथ नेचुरल गैस पर भी अपनी रणनीति दे दीजिए। देखिए एनर्जी पैक के अंदर कल हमने न्यूज देखी थी मंडे, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म Category 2 का गल्फ ऑफ मेक्सिको में हिट हुआ है जो एक्चुअली प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा, जो कच्चे तेल को और नेचुरल गैस दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नेचुरल गैस में डिमांड कंसर्न की वजह से दबाव है। लेकिन नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा इसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया जिसके चलते कल प्राइजेस में एक अच्छी खासी रैली अप बनते हुए दिखाई दी। आज भी मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहां पे 185 के करीब मिलता है लीजिए, 180 का स्टॉप लॉस रखिए, 193-194 तक का लिमिटेड अपसाइड कच्चे तेल में नेचुरल गैस में भी दिखेगा। यूरोप में जो स्टोरेज कैपेसिटी अभी भी अच्छी है जिसकी वजह से बार बार हम देख रहे हैं 90-95 तक जाता है और वहां से करेक्शन लेता है, तो 94-95 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस लेके चला जा सकता है।
बिल्कुल, तो 94-95 तक के टारगेट आप नेचुरल गैस में लगा सकते हैं। इस बीच सोने चांदी पर भी नजर डालेंगे, सोने में भी अच्छा उछाल दिखा है ओवरनाइट। सोने और चांदी में कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, अगर सोने चांदी की बात करें तो अगस्त की तेजी के बाद पिछला 10 दिन जो रहा है वो रेंज बाउंड करा है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट 18 तारीख को देखेंगे जहां पे पहली बार हम यूएस की तरफ से रेट कट देखेंगे। कल भी हमने गेन देखा जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट और ईसीबी रेट कट के लिए आगे आगे सपोर्ट कर रही है, तो ओवरऑल सोना चांदी तेज रहेगा। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस 72-200 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना इंटरनेशनल में 2520 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि कल की रैली के बाद आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है टेक्निकली, जहां पे 72,000 पे बेचना है, 72-250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि जब तक 72-250 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा तो हम नई रैली नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़ा इवेंट अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं तो वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 72 पे बेचेंगे, 72-250 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 71-600 तक का लिमिटेड डाउनसाइड दिखाई देगा। चांदी के अंदर एज कम्पेयर टू गोल्ड बेस मेटल की गिरावट के चलते इसमें दबाव है, जो 84,000 पे बेच सकते 84,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 83,400 तक का टारगेट चांदी में मिलेगा। तो ये रणनीति सोने और चांदी पर, और बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले एक महीने में या सितंबर में ही मंथ टू डेट बेसिस पर देखें तो काफी गिरावट दिखी है सभी कमोडिटीज यानी बेस मेटल्स पर, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, अगेन अगर हम देखते हैं कि पूरे बेस मेटल पैक में डिमांड कंसर्न है वो चाइना से, तो आई थिंक वर्स्ट जो न्यूज होनी थी वो ऑलमोस्ट हमने डिस्काउंट कर चुके हैं। अब चाइना अगर कोई भी पॉजिटिव कट पॉलिसी में लेके आता है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। दूसरा, लोअर प्राइस पे ना जो माइंस के आउटपुट है उसमें भी कमी रहेगी, डॉलर इंडेक्स, ये सब फैक्टर रहेंगे। तो मुझे लगता है एक न्यूट्रल व्यू ही मार्केट में बना रहेगा। परसों हमने तेजी देखी, कल थोड़ा सा पुलबैक देखा, बट आज के लिए मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनानी चाहिए। कॉपर में 781 में 778 के स्टॉप लॉस से लिमिटेड अपसाइड 789, जिंक के अंदर भी हम अच्छी तेजी देख पाएंगे जो 253 पे बाय किया जा सकता है 256 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये रणनीति बेस मेटल्स पर। अजय, शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।